हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू के सीरीज में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशनल क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि है व्हाट शुड यू डू व्हेन ए चाइल्ड इज पॉटी इन क्लास। अगर आपके क्लासरूम में कोई बच्चा पॉटी कर देता है, या इसका एक सब्स्टिट्यूट वर्ड भी होता है, अगर वो बोलकर के इंटरव्यूअर पूछे कि तो उस समय पर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो इसका जो बेस्ट आंसर मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, और आप इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो मैं आपको प्रॉपर इन इंग्लिश में ही आपको पूरा आंसर इस क्वेश्चन का करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप कैसे इसका आंसर करेंगे ताकि वो बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना लगे। पॉइंट नंबर वन कि आपको बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, जानबूझकर बच्चा नहीं करता है। तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो आप बताएंगे व्हेन ए चाइल्ड इज पॉटी इन क्लास, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एंश्योर द चाइल्ड्स इमीडिएट नीड एंड टेकन केयर ऑफ। बच्चे को क्या ज़रूरत है और उसकी सबसे पहले आपको केयर करनी है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। आई वुड कामली एस्कॉर्ट द चाइल्ड टू द रेस्ट रूम, कि सबसे पहले मैं बहुत ही शांति के तरीके से बच्चे को रेस्ट रूम में भेजूंगी। एंड देन प्रोवाइड दैम विद ए चेंज ऑफ क्लोथ्स इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो उसको चेंज करने के लिए कपड़े दिए जाएंगे, ठीक है। एडिशनल यूनिफॉर्म्स रखी होती है स्कूल में, वो उसको दे सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे इफ द चाइल्ड रिक्वायर फर्दर मेडिकल अटेंशन आई वुड इन्वॉल्व द स्कूल नर्स। अगर बच्चे को हो सकता है कि भाई उसको लूज मोशन हुए हो, तो वहां पर तो मेडिकल नीड की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बताएंगे कि अगर उसको मेडिकल नीड की जरूरत है तो आप वो भी प्रोवाइड करेंगे, स्कूल नर्स होती है उससे। Once the child is taken care of, I would make sure to sanitize the affected area. उसके बारे में बात करना मत भूलना, कहीं बच्चे के केयर के बारे में ही सारी बातें बोल दो, जो वहाँ पर अफेक्टेड एरिया है उसको क्लीन करने के बारे में तो आपने बात ही नहीं की, तो उसके बारे में बात करनी है। आप क्या बोलोगे कि once the child is taken care of, I would make sure to sanitize the affected area and notify the custodial staff to properly clean the area. I would also communicate with the parents to inform them of the situation and any steps that were taken. अगर फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी है, उनको इस सिचुएशन के बारे में जानकारी देना है ताकि वो भी थोड़ा ध्यान रखे, है ना। प्रॉपरली उसको फ्रेशन अप होकर के ही स्कूल में भेजे अगर ऐसी कोई बात आती है, या फिर इसी तरीके से अच्छा उसे खाना पीना खिलाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे क्लास में, वो हल्ला नहीं मचाएंगे ऐसे देख करके सिचुएशन में। आपको सिचुएशन को बहुत ही कामली और सेंसिटिवली हैंडल करना है, तो ये आपका पूरा आंसर रहेगा। एक बार फिर से मैं पूरा दोहरा देती हूं कि आप इसमें क्या बोल सकते हैं इसके आंसर में, कि व्हेन ए चाइल्ड इज 14 क्लास द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एंश्योर द चाइल्ड इमीडिएट नीड एंड टेकन केयर ऑफ। आई वुड कामली एस्कॉर्ट द चाइल्ड इन द रेस्ट रूम, प्रोवाइड देम विद ए चेंज ऑफ क्लोथ्स इफ नेसेसरी, इफ द चाइल्ड रिक्वायर फर्दर मेडिकल अटेंशन आई वुड इन्वॉल्व द स्कूल नर्स। Once the child is taken care of, I would make sure to sanitize the affected area and notify the custodial staff to properly clean the area. I would also communicate with the parents to inform them of the situation and any steps that were taken. It is important to maintain the privacy and dignity of the child. ये भी आपको बात ज़रूर कहनी है। तो कैसा लगा आपको आंसर, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसको आप और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका अगर कोई और व्यू पॉइंट है वो भी आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपको इससे अच्छा कुछ और आंसर मिला हो, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे समझाने में समय लगा है, नहीं तो एक मिनट से पहले पहले आपका आंसर आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।